नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज का शो बहुत खास है, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी कनाडा के लिए अप्लाई करना है, आज के शो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम तीन इम्पॉर्टेंट टिप्स देंगे आपको, जिससे कनाडा के वीज़ा की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनको इस फील्ड का 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और वो अभी तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा दिला चुके हैं। बड़े ही प्रिसाइज उनके कमेंट्स होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके उन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के गेस्ट लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ जसमीत भाटिया जी का। स्वागत है जी। सत श्री अकाल। जसमीत जी, ये फील्ड बहुत वास्ट है मुझे पता है, बट स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिससे कनाडा के वीज़ा की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कॉलेज चूज़ करना, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मेन कैंपस चूज़ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कि अगर आप मेन कैंपस में अपनी फाइल लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा इज़ मोर। सी, मेन कैंपस जो होते हैं वो कोई कैंपस 300 एकड़ में है, कोई 500 एकड़ में है। जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको भी पढ़ने में पता लगता है कि वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ने आया है। नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट कई प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ करते हैं अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद। अभी स्टूडेंट से मिल के आया हूँ मैं, संगरूर से आया हूँ, 6 बैंड है, 71% है और किसी प्राइवेट कॉलेज में फ़ाइल लगी है और 2 रिफ्यूज़ल है। ये एक मेजर रीज़न बन जाता है रिफ्यूज़ल का। ऐसा क्यों है कि एम्बेसी थोड़ा नॉन सीरियस मानती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी उनकी ओर से ही रिकॉग्नाइज्ड हैं? रिकॉग्नाइज है, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कंप्लायंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इतने ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से जो प्रॉब्लम आई क्यूबेक में वही रीज़न था। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को क्या कहते हैं, जब हम चूज़ करते हैं तो आउटकम में बच्चे को वर्क परमिट नहीं है, तो बच्चा क्यों चूज़ कर रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कनाडा आना चाहते हो तो आप पर्पज़ ये लिख रहे हो कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना आना चाहता हूँ, मेरा वर्क परमिट मुझे मिलना नहीं है। सो दैट मीन्स कि आप इलीगल होने के लिए आना चाहते हो कनाडा, बट यू डोंट वांट टू वर्क, यू डोंट वांट टू स्टडी, सो आपका लीगली कनाडा रहने का पर्पज़ नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो कोर्स सिलेक्शन। कौन सा कोर्स हम चूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपके क्या कहते हैं कनाडा जाने के लिए। कि आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट्स में कम हैं तो आप फिर भी कोई ऐसा कोर्स चूज़ करते हैं जिसमें उसी सब्जेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन है। फिर आप कहते हैं कि आपकी क्या कहते हैं आपकी प्रेफरेंस है कोई मेन सिटी, बट आपके मार्क्स बहुत कम है। मेन सिटी में अगर बात करें तो एक सीट के पीछे 20-20 बच्चे फाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो सब 20 को तो वीज़ा नहीं मिलेगा। कोर्स सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा जब भी आप अपने कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लगाना चाहते हैं। कोर्स सिलेक्शन में स्टूडेंट कई बार गलती कर जाते हैं, तो लैंडमार्क में जब स्टूडेंट आपके पास आता है तो क्या आप इन्वॉल्व होते हैं कोर्स सिलेक्शन में भी, या जो कोर्स स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं उसी पे? इसमें हमारे काउंसलर्स उसके गाइड करते हैं कि आपके मार्क्स अगर इस फील्ड में कम है तो अब इस फील्ड से रिलेटेड कोर्स ना लीजिए, आप कोई और कोर्स लीजिए। प्रॉपर गाइडेंस होती है, उसकी असेसमेंट होती है, और अब जब हमारे पास फाइल एनरोल हो जाती है उसके बाद भी चेक किया जाता है कि उसको कौन सा कोर्स देना चाहिए था या कौन सा कोर्स नहीं देना चाहिए था। थर्डली दीपक जी, मैं कहूँगा कंसल्टेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे टफ केसेस के वीज़ाज देख रहा हूँ जो हमारे पास से अप्रूवल हुए हैं, और जो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। इनफैक्ट वी वर आल्सो वेरी हैप्पी कि उन बच्चों के वीज़ा लगे, क्योंकि बच्चों की प्रोफाइल 7-7 बैंड थी, अच्छी प्रोफाइल थी, और 2-2, 3-3 बार उनको रिफ्यूज़ल थी और फिर वो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास आए और उनको वीज़ा मिला। 7-7, 8-8 बैंड वालों को इतनी रिफ्यूज़ल, मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स मिली। दीपक जी, छोटी सी गलती से आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है, छोटी सी भी गलती से आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। तभी मैं सारे ही स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहूँगा कि जब आप अपना कंसल्टेंट चूज़ करते हैं तो आप चेक करें कि उस कंसल्टेंट को कितना एक्सपीरियंस है, कितनी फाइल्स उन्होंने प्रोसेस की हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन हज़ारों की तादाद में वीज़ा अप्रूव कर रहा चुका है, अभी 15 का हमें एक्सपीरियंस है। आपको लगता है कि हम अगर आपकी फ़ाइल लगाने के काबिल हैं तो ज़रूर आप हमारे पास आएँ। मेरे को लगता है कि हम बिल्कुल एक्सपर्ट हैं कोई भी डिफ़िकल्ट केसेस को डिस्कस करने के लिए।
सो स्टूडेंट्स, जसमीत जी के एक्सपीरियंस का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। डिफरेंट सिटीज़ में रेगुलर पंजाब में पूरे इनका विजिट रहता है। 9413-9412 पे कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।